फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा और एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं प्रांकुल गर्ग इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सेटअप देख के आप समझ गए होंगे कि आज किस बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करूँगा। आज मैं आपसे शेयर करूँगा वो पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बीपी मशीन खरीदने से पहले। मार्केट में फ्रेंड्स इतनी सारी बीपी मशीन्स इस समय अवेलेबल हैं कि हमें कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें कौन सी बीपी मशीन लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। कई बार जानकारी के अभाव में या कई बार ऐसा होता है कि जो बीपी मशीन हम ले आते हैं एक बार और हमें फिर लगता है कि नहीं, ये मशीन उतनी अच्छी नहीं है, उतनी एक्यूरेट नहीं है और उससे फिर हमें बाद में दिक्कत होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊं जिससे आपको बीपी मशीन चूज़ करने में थोड़ी आसानी हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट बीपी मशीन। एक परफेक्ट बीपी मशीन कैसे चूज़ करें? बीपी मशीन चूज़ करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपके साथ तीन या चार पॉइंट्स आज शेयर करता हूँ। सबसे पहला आता है फीचर्स, कि जो बीपी मशीन आप ले रहे हैं उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। अब फीचर्स मैंने आपकी आसानी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। पहला फीचर्स आता है एसेंशियल। एसेंशियल मतलब कि वो फीचर्स तो होने ही होने हैं उस बीपी मशीन में। उसमें से अगर कोई फीचर नहीं है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप उस बीपी मशीन को ना लें। एसेंशियल फीचर्स या जिसके बिना वो बीपी मशीन हम कहें अधूरी है। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी फीचर्स। सेकेंडरी फीचर्स होता है कि सपोज एक या दो फीचर्स अगर इसमें से मिसिंग भी हो जाते हैं उन सेकेंडरी फीचर्स में से, तो ऐसा नहीं है कि वो बीपी मशीन आप ना लें, उसके बाद भी आप वो बीपी मशीन ले सकते हैं। बात करते हैं प्राइमरी फीचर्स की, या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन में। सबसे पहला आता है आपका हाइपरटेंशन इंडिकेटर। अब जो रिसेंट एडवांस्ड जो आपकी बीपी मशीन्स आ रही हैं उसमें आपका हाइपरटेंशन इंडिकेटर होता है। जैसे नॉर्मल बीपी जो कि हम जानते हैं 120/80 होता है, तो अगर आपका बीपी सपोज 140 हो जाता है या 150 हो जाता है, तो अब जो मशीन्स आ रही हैं उनमें एक हाइपरटेंशन इंडिकेटर होता है वो ब्लिंक करने लगता है, जिसका मतलब होता है कि आपका बीपी हाइपरटेंशन वाली रेंज में है। दूसरा जो आता है फीचर एसेंशियल, वो आता है आपका कफ इंडिकेटर। कफ होता है फ्रेंड्स बीपी मशीन का वो कपड़ा या इलेक्ट्रॉनिक कफ जिसे हम बांधते हैं अपने अपर आर्म पे और बीपी हम लोग मेज़र करते हैं। ये कफ इंडिकेटर हमें ये बताता है कि जो हमने कफ बांधा है यहाँ पे कंधे पे अपने अपर आर्म पे, वो प्रॉपरली बंधा है या नहीं बंधा है। उसका भी उसमें इंडिकेटर होता है अलग से। अगर कफ प्रॉपरली बंधा है तो उसमें ओके लिख के आएगा, उसके बाद ही वो मशीन आपको सही रीडिंग देगी। क्योंकि कई बार कफ ढीला होता है और या बहुत ज़्यादा कसा हुआ भी कफ हो जाता है कभी कभी, और हम लोग रीडिंग ले लेते हैं, तो उस केस में रीडिंग पे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तीसरा जो पॉइंट होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन का, कि कई बार क्या होता है कि हम बीपी नाप रहे हैं और बीपी नापते नापते हमारा हाथ हिल गया या हमारा शरीर थोड़ा सा हिल गया। उस केसेस में भी जो अब एडवांस्ड बीपी मशीन्स आ रही हैं उसमें मूवमेंट डिटेक्टर होता है जो कि आपका जो मूवमेंट है वो आइडेंटिफाई कर लेता है और बता देता है कि आपका मूवमेंट हुआ है। इस चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान रखना है और ये हो जाते हैं हमारे एसेंशियल फीचर्स। अब आती है बात फ्रेंड्स सेकेंडरी फीचर्स की। सेकेंडरी फीचर्स में आ जाता है आपका स्क्रीन साइज़, कि स्क्रीन आपकी एक्सेल साइज में है या रेगुलर साइज में है, LCD वाली स्क्रीन है या LED वाली स्क्रीन है। तो ये आते हैं आपके सेकेंडरी फीचर्स, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते जितना कि एसेंशियल या प्राइमरी फीचर्स रखते हैं। सेकेंडरी फीचर्स में एक आ गया आपका स्क्रीन साइज, दूसरा आता है आपका मेमोरी, कि जो बीपी मशीन आपने ली है उसमें
कितने लोगों की और कितनी रीडिंग आप स्टोर कर सकते हो। जनरली अगर दो लोगों की 100 रीडिंग्स भी स्टोर हो रही हैं तो आई थिंक डैट वुड बी सफिशियंट, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें डेली लाइफ में नहीं होती है। और एक जो पॉइंट इसमें आता है आपका सेकेंडरी में, वो आता है कि जो बीपी मशीन है आपकी, वो आपकी सेल से चलती है या लाइट से भी चल जाती है, या मोबाइल के चार्जर जो होते हैं उनसे चलती है, या टाइप सी पोर्ट उससे चलती है, या जो भी उसमें फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, फीचर्स दे रखे हैं। इसमें अब जो आ रही हैं मशीन्स, सभी तो सेल से चलती हैं, कुछ में टाइप सी पोर्ट भी आता है, कुछ में टाइप ए पोर्ट आता है। तो ये इतना मायने नहीं रखता कि आप टाइप ए पोर्ट की ले रहे हैं या टाइप सी पोर्ट की ले रहे हैं, जो प्राइमरी फीचर्स हैं उनका होना ज़्यादा मायने रखता है। ये बात तो हो गई फ्रेंड्स फीचर्स की। दूसरा पॉइंट जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका कि ऑलवेज गो फॉर अ ब्रांडेड बीपी मशीन। ऐसी बीपी मशीन आप कभी ना खरीदें कि जिसका आपने कभी नाम ही ना सुना हो, या शॉपकीपर ने आपको बोल दिया और आप उसके हाँ में हाँ मिला के ले आए। वो चीज़ थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको रेनोन ब्रांड या ऐसी ब्रांड्स जिसका आपने नाम सुन रखा हो, उसके बारे में आप जानते हो, उन्हीं के बीपी मशीन्स आप लेके आइए। और तीसरा पॉइंट जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका सर्टिफिकेशन या वैलिडेशन का। मतलब जो बीपी मशीन आप लेके आए हैं वो सर्टिफाइड भी है या नहीं। सर्टिफिकेशन में आपका जैसे ISO आ गया, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन होता है, और भी कई प्रकार के सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो ये मेक श्योर कर लें कि जो बीपी मशीन आप ले रहे हैं क्या वो प्रॉपरली सर्टिफाइड है या नहीं। अगर वो प्रॉपरली सर्टिफाइड है तभी उस बीपी मशीन को आप लोग लें, अन्यथा उसे ना लें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी आसानी रहेगी कि जब भी आप कोई बीपी मशीन लेंगे उस। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए करूँगा एक बीपी मशीन की अनबॉक्सिंग। कौन सी बीपी मशीन होगी, वो BPL, रॉमसन, डॉक्टर मोरपेन, ओमरॉन, व्यूरर या और भी कोई मशीन हो सकती है। पर तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।